देश की राजधानी में पॉल्यूशन इस कदर बढ़ा है कि यहाँ तक कोर्ट को भी इस पॉल्यूशन को लेकर गंभीर होना पड़ा है। छोटे बच्चों के गुर्दे कम उम्र में ही खराब होने लगे हैं, जो बड़ी चिंता का विषय है। इस पॉल्यूशन को लेकर कभी स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ती है तो कभी ऑड इवन लागू करना पड़ता है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार ही नहीं बल्कि जनता भी जागरूक होकर पर्यावरण को बचाने में सहयोग करे। अभी पिछले दिनों मैं चीन की यात्रा पे था, तो वहाँ पे बाइसिकल कल्चर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, प्रमोट हो रही है। तो हम भी चाहें कि इस तरह का, मैं कैंपस में भी गया, गांजा यूनिवर्सिटी, बीजिंग फॉरेन स्टडी यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे कैंपस में बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है। हम भी चाह रहे हैं कि उस तरह की चीज़ें अपने यहाँ आए, और ख़ासकर स्टूडेंट में जो कल्चर, जो कैंपस में बाइक वगैरह या फिर गाड़ी लेकर के आते हैं, इससे पॉल्यूशन जो बढ़ती जा रहा है उसको कम करें, और हर एक स्टूडेंट का यूज़ करें, एक साथ एक्सरसाइज, पर्यावरण को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी कुछ चीज़ें। इस पॉल्यूशन के दौर में कुछ संस्थाएं भी पर्यावरण की मदद करने में लगी हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ ग्रीन राइट और टेक महिंद्रा फाउंडेशन की मुहिम काफी कारगर साबित हो रही है। ग्रीन राइट लोकल एरिया कम्यूटिंग के लिए साइकिलिंग को प्रमोट करता है। दिल्ली में कई लोकेशन पर ग्रीन राइट बिना मोटर की साइकिल मुहैया कराता है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन पर पहले से ही स्टूडेंट्स को फ्री साइकिल मुहैया करवा रही ग्रीन राइट ने और 40 साइकिलों को इस मुहिम में शामिल किया है। इन साइकिलों पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स भी कॉलेजेस में गए और बाकी स्टूडेंट्स को अवेयर किया कि वो भी मेट्रो से यात्रा करें और बाहर आकर इन फ्री साइकिलों का प्रयोग करें, जिससे हमारा पर्यावरण बचेगा। अब खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र महंगी कारों का प्रचलन बंद करके इन्हीं साइकिलों पर आ रहे हैं। महिंद्रा टेक द्वारा जो अभी रैली चलाई जा रही है, ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आज के डेट में सबसे अगर कोई बर्निंग इशू है तो वो है पॉल्यूशन। कहीं भी आप देखिए, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है, तो इसको कम करने के लिए, हमारे दिल्ली में भी रिसेंटली हमने दीपावली के टाइम देखा था किस तरह से हालत गंदी हो गई थी, तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम साइकिल यूज करें, और जो लोग यूज कर सकते हैं, और यही नहीं, ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। ये आज के डेट में डायबिटीज़ वगैरह जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये हमारे फिजिकल वर्कआउट कम होने की वजह से हो रही हैं, तो ये हमारा फिजिकल वर्कआउट भी मेंटेन करेगा और पर्यावरण के लिए भी ये बहुत ही अच्छा मुहिम है। ग्रीन राइड और टेक महिंद्रा फाउंडेशन की इस मुहिम से एक बड़ा संदेश समाज में जा रहा है। अब जरूरत है अकेले एक दो संगठन ही नहीं, बल्कि देश में लाखों संगठन हैं जिन्हें इस तरह की मुहिम में सहयोग देना चाहिए, तो भावी पीढ़ी को बड़े पॉल्यूशन से बचाया जा सकता है। दिल्ली दर्पण टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।